हेलो फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल नासिफ। इन दिस सेशन आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू इंसर्ट शेप्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। टू इंसर्ट शेप्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, सबसे पहले वर्ड हम लोग ओपन कर लेते हैं बच्चों। तो वर्ड ओपन करते हैं हम लोग, सर्च बटन में जाएंगे, वर्ड लिखेंगे, एमएस वर्ड 2013 लिख लिया हमने। अब यहाँ से जाएंगे ब्लैंक डॉक्यूमेंट में, ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम लोग क्लिक कर लेते हैं। ये देखो ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल गया, यहाँ से थोड़ा साइज बढ़ा लेते हैं, क्लोज़ कर देंगे इसको, 22 कर देते हैं, 22 कर दिए हम लोग। उसके बाद स्टेप्स टू इंसर्ट शेप्स इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। अब कैसे इंसर्ट करेंगे शेप्स, सबसे पहले हमारे पास ऑप्शंस है, टैब है हमारे पास ऊपर में, आप देखो होम टैब है, इंसर्ट टैब है, डिज़ाइन टैब है, पेज लेआउट टैब है, ठीक है। थोड़ा फॉर्मेटिंग मैंने कर दिया। नो ऊपर में जाएंगे, देख लो इंसर्ट टैब में, ये देखो फाइल के बगल में होम, होम के बगल में इंसर्ट टैब है, देख लीजिए ध्यान से, है ना बच्चों। इंसर्ट से आप लोग देख लें, इंसर्ट टैब में कैसे जाएंगे, ये देख लो इंसर्ट टैब में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से शेप्स में गए, शेप्स में जाने के बाद हम लोग बेसिक शेप्स है, रेक्टेंगल्स है, तुम्हारा बहुत सारा ब्लॉक एरोज़ है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, बेसिक शेप्स में रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल को पहले देखो सेलेक्ट करो, ड्रॉ करने के लिए सेलेक्ट किया और इसको ड्रैग कर देंगे प्लस साइन को, माउस को खींचेंगे, देखो रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। ऐसे हम लोग शेप्स को इंसर्ट करते हैं, सॉरी ड्रॉ करते हैं या इंसर्ट करते हैं। नो एक और हम इंसर्ट कर लेते हैं शेप्स, सपोज सर्किल ले लेते हैं या एलिप्स, सर्किल लेते हैं हम लोग, ये देखो बेसिक शेप्स में ये मैंने सर्किल ड्रॉ किया बच्चों, है ना, ये सर्किल ड्रॉ हो गया हमारा। कर्सर का मूवमेंट आप देखोगे तो समझ जाओगे, अपने भी प्रैक्टिकल घर पे कर सकते हो, लैपटॉप और डेस्कटॉप अगर घर पे है तो आप कर सकते हो बच्चों, यही मैंने थ्योरी में क्लास में पढ़ाया था आप लोगों को। ये देखो मूव कर सकते हो उसको, हैंडल को पकड़ करके पूरे शेप्स को। नाउ एक और शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं, कोई भी एक ले लेते हैं, और ट्रायंगल ले लेते हैं, ये देखो ट्रायंगल ड्रॉ हो गया, वेरी इजी। थोड़ा अलाइनमेंट ठीक कर लेते हैं इसका, शेप्स सब का, ये देखो एक लाइन पे ले आए हम सारा। इस तरह से हम लोग शेप सबको इंसर्ट करते हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि एक और शेप्स इंसर्ट करना चाहते हो, कर लो बच्चों। इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, ब्लॉक एरोज में से कोई एक एरोज ले लो, ये एरोज़ को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग, वेरी इजी। फिर जाओ शेप्स को, आप सारे शेप्स को एक बार ज़रूर ट्राई करो, ड्रॉ करके देखो। इक्वेशन शेप्स में प्लस ले लिए, इसको भी ड्रॉ कर सकते हो, वेरी इजी। सारे शेप्स बच्चों आप लोग ड्रॉ करो एक एक बार, अपने लैपटॉप या सिस्टम अगर है आपके पास घर पे तो ज़रूर ट्राई करना है। यहाँ से हम एक सिलेंडर को ड्रॉ कर लेते हैं फ्लो चार्ट में, ये देखो बच्चों होगा शायद, देखो तो ये सिलेंडर मेरा ड्रॉ हो गया, देख लो बच्चों, वेरी इजी। मूव कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो उसके साइज को, जो पॉइंट्स दिया हुआ है। नाउ इसके अलावा इंसर्ट टैब से हम लोग सारा कर लिए, अब हम लोग को करना क्या है, शेप्स में और कुछ ड्रॉ करना है तो देख लो बच्चों, मैंने तो आप कर सकते हो इंसर्ट शेप्स से जा करके, ये न्यू में जाएंगे, इसको क्लोज़ कर देना बच्चों, इसको अभी हम लोग नहीं सीखेंगे, बाद में देखेंगे। नाउ अब हम लोग इसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे ब्लू कलर है तो एडिट शेप में जाओ, यहाँ देखो चेंज भी कर सकते हैं शेप्स को, है ना बच्चों। उसके बाद देखो अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो ये इसका पॉइंट्स को हम लोग कंपोज कर सकते हैं, बस छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हम लोग चेंजेस भी कर सकते हैं शेप्स में। इसके अलावा ये देखो, इसके अलावा चेंज कर सकते हैं कलर को, बस कलर में जाएंगे, देखो कलर चेंज हो रहा है बच्चों, आराम से कलर चेंज कर लिए हम लोग। इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं साइज को, है ना, साइज को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिल कलर को भी, शेप का कलर को डिफरेंट डिफरेंट कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं सारे शेप्स, जो भी शेप्स तुम लोग उसके कलर को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ग्रीन कलर कर लिए, है ना। यहाँ चेंजेस देख लो, चेंजेस करके देख सकते हो, यहाँ देखो यहाँ भी बहुत सारे चेंजेस है, सब अफेक्ट को ट्राई करके देखना तुम लोग अपने लैपटॉप में सिस्टम में, वेरी इजी। जब कुछ तुम ड्रॉ करोगे तो ये सब काम आएगा। ग्रेडियंट कर सकते हो, देखो
कोई भी एक ग्रेडियंट चूज कर सकते हो। ठीक है बच्चों, देख सकते हो तुम लोग सारे ऑप्शंस को बढ़िया से देख रहे हो, चेक करना है एक एक करके। ये देखो फिल है, यहाँ पे देखो टेक्सचर डाल सकते हो, इस तरह से टेक्सचर फिल कर सकते हो। अगर कोई टेक्सचर इमेज में शेप्स में अगर इंसर्ट करना है तो टेक्सचर डाल सकते हो, है ना। ये देखो ये टेक्सचर में गए और ये कोई भी एक टेक्सचर ले लिए, तो इसके लिए कहाँ जाएंगे, शेप्स फिल में जाएंगे।